हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इन्फोब। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। आज मैं आपसे बात करूंगी बेस्ट अफोर्डेबल काजल की अकॉर्डिंग टू योर नीड। कौन सा काजल सबसे ज़्यादा स्मच प्रूफ है, कौन सा काजल बेस्ट है आपकी सेंसिटिव आई के लिए। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं तो आपके लिए बेस्ट काजल कौन सा है, पैराबेन फ्री काजल कौन सा है और वॉटरी आई के लिए बेस्ट काजल कौन सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेकअप ब्यूटी वीडियो, और साथ ही में मैं वीडियो के एंड में शेयर करूंगी कुछ काजल के टिप्स फॉर बेस्ट काजल रिजल्ट्स। तो चलिए ढूंढते हैं बेस्ट काजल फॉर योर परफेक्ट आईज। सो सबसे पहले आता है हमारा लैक्मे का आइकॉनिक काजल। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर काजल है। इसका प्राइस है ₹180। अगर आपकी आंखों से पानी ज़्यादा बहता है, सेंसिटिव आईज है आपकी, तो ये आपके लिए परफेक्ट है। ये उतना ज़्यादा ब्लैक नहीं है। पर्सनली मुझे काजल बहुत ज़्यादा ब्लैक पसंद है। इसका जो टेक्सचर है वो मैट लुक देता है, स्मज नहीं होता है, बट धीरे धीरे फेड होने लगता है अगर आप इसे ज़्यादा टाइम तक यूज़ करते हैं तो। लैक्मे आइकॉनिक काजल्स ब्लू शेड में भी अवेलेबल है, बट इसका ब्लू शेड मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर आप चाहते हैं ब्लू शेड यूज़ करना तो आप नायका का ब्लू शेड यूज़ कर सकते हैं। इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा है जो कि मुझे पर्सनली पसंद आया, इसीलिए मैं आपको ब्लू शेड के लिए नायका का काजल रिकमेंड करती हूँ। अगेन, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, आपकी आंखों से पानी ज़्यादा बहता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है आपकी आईज़, तो आपके लिए लैक्मे आइकॉनिक काजल ही बेस्ट है। अब मैं आपको शेयर करूँगी अपना फेवरेट काजल, मेरा लोटस कला के काजल। ये काफ़ी टाइम तक रहता है, more than 8 hours। इसका जो प्राइस है दैट इज़ ₹199, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट बजट काजल है। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। ये बहुत जल्दी स्मच नहीं होता है। इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और अगर आप काजल को एज अ आईलाइनर स्टिक की तरह यूज़ करते हैं तो इसके लिए भी काफ़ी अच्छा है, बिकॉज मैंने भी काजल लाइनर लगाना इसी स्टिक से सीखा था। हाईली रिकमेंड करूँगी मैं ये लोटस का कलर केक काजल आपके लिए। अब है हमारा लोटस का काजल, जो कि मैजिक मैजिक काजल है, लोटस मैजिक काजल। ये वन ऑफ द पॉपुलर काजल है। जस्ट मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। इसका जो प्राइस है दैट इज़ ₹275। सबसे अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं तो ये बहुत बेस्ट पार्ट है इसका, क्योंकि जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है काजल लगाने में। मैं समझ सकती हूँ। ऑल दो ये काफ़ी हेल्दी है आपके आईज़ के लिए। इसका इंटेंस ब्लैक कलर है, स्मज प्रूफ है और 5 hours तक स्टे रहता है। और अगर आप टचअप्स की इसको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 5 hours के बाद धीरे धीरे फेड होने लगता है। ओवरऑल ये बहुत अच्छा काजल है अगर आप हेल्दी काजल के लिए ढूंढ रहे हैं तो, बिकॉज इसमें नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स यूज़ हैं। और अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं तो आपको यही वाला काजल यूज़ करना चाहिए। हम बात करते हैं मेबेलिन कलोसल काजल की। ये भी वन ऑफ द पॉपुलर काजल है। दो वेरिएंट में अवेलेबल है ये, 12 hour और 24 hour। इनके प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस है और स्मच के में भी डिफरेंस है। ये काफ़ी अच्छा काजल है, ब्लैक कलर है और काफ़ी अच्छा टेक्स्चर है इसका। ये इजीली स्मच नहीं होता है, काफ़ी टाइम तक आपकी आईज पर रहता है, बट अगर आप इसे ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो ये इजीली टूट जाता है और इट्स काइंड ऑफ वेस्टेज ऑफ मनी। एक चीज़ इस काजल के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि मैंने पर्सनली फील किया, कि ये काजल फेड नहीं होता, बट धीरे धीरे आपकी आंखों में स्मच तो नहीं होता, बट बहुत धीरे धीरे माइन्यूट पार्टिकल्स आपकी आंखों में फैल जाता है और ये काइंड ऑफ एक डार्क सर्कल वाली लुक देता है, तो इसलिए मैं इसे यूज़ नहीं करती। आपके लिए मेबेलिन कलोसल में भी ब्लू शेड अवेलेबल है। लास्ट जो मेरे पास है वो है फेसेस काजल। ये एक सल्फेट फ्री पैराबेन फ्री अमेजिंग काजल है। इसका स्मूथ ब्लैक टेक्सचर है और बहुत अच्छे से ये ग्लाइड करता है आपकी आईज़ पर। अगर आपकी वॉटरी आई है तो आप इसे बिल्कुल यूज़ ना करें, बट ओवरऑल ये अच्छा काजल है अगर आपकी आई नॉर्मल है तो। और अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ परफेक्ट आईज़ के लिए परफेक्ट काजल टिप्स। सबसे पहले अपने आप को अपने फेस को क्लियरली साफ करना बहुत ज़रूरी है, क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने सारे मेकअप को लगाने से पहले अपने फेस को क्लीन करते हैं, अपने आई एरिया को अच्छे से साफ करें। और अगर आपकी ऑयली आई लिड्स हैं तो आप थोड़ा सा आइस रब कर सकते हैं इसके ऊपर, जिससे कि उसमें ऑयल ना नहीं बनेगा। इससे आपकी आँखें और बड़ी और खुल जाएंगी। और जो मेरा सेकेंड टिप है वो है कि हमेशा जो कोई भी काजल लगाता है वो हमेशा अंदर से बाहर की तरफ लगाता है, पर इससे क्या होता है कि आपकी काजल जो है वो गीला हो जाता है और आपकी
काजल स्पंज हो जाता है। तो आपको जब भी काजल लगाना चाहिए वो बाहर से अंदर की तरफ लगाना चाहिए और छोटे छोटे स्ट्रोक्स में लगाना चाहिए। अगर आप फील कर रहे हैं कि आपके आपकी आई बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, आपने चाहे कोई सा भी काजल यूज़ कर लिया हो, आपका काजल हमेशा स्मज हो जाता है, तो आपको स्विच करना चाहिए जेल लाइनर्स पे। ये आपकी आईज वाटरी आईज के लिए बेस्ट है, ये बहुत सुपर प्रिसाइज एप्लीकेशन देता है। और जो इन जेल आईलाइनर्स का ब्लैक कलर होता है आईलाइनर का, वो टोटली स्मज प्रूफ है, तो यू कैन ट्राई दैट। सो आप भी अपना फेवरेट काजल और काजल टिप्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप इन्फोब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जल्दी से शेयर करिए मेरी वीडियो अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ जो भी काजल यूज करती हैं। थैंक यू।